संतुष्ट नहीं है। उन्होंने बहुत वादे किए थे कि फ्री वाईफाई देंगे, सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ अपने उन्होंने खांसी का इलाज करवाया और कुछ नहीं किया। और अब तो दिल्ली में दिखते भी नहीं है, इलेक्शन यूपी और गोवा में ही दिख रहे हैं। उनको दिल्ली की कोई परवाह ही नहीं है इस समय। हमें यही नहीं पता कि हमने किसको वोट दिया, वो जीत गए और वो अपनी सीट से नदारद हैं। उनका पता ही नहीं लग रहा कुछ कि वो बेसिक समस्याएं सुने जिन्होंने उनको जिताया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने वोट दिया, इसकी वजह से हमें पछताना पड़ रहा है। दिल्ली के पैसे को पंजाब में इलेक्शन में यूज कर रहे हैं, वो कहते हैं फंड और वो फालतू का ड्रामा करते हैं। दिल्ली में आके दो दिन बाद आएंगे, मोदी जी को दो गाली देंगे, फिर भाग जाएंगे। क्या भ्रष्टाचार बंद हो गई है? भ्रष्टाचार जगह जगह हर विधाओं में समाई हुई है। जाके रईस देख सकते हो, इसके लिए टाइम है, लेकिन ये नहीं देख सकते कि जनता के बीच में जाके कभी उनका जान सके। केजरीवाल तो दिल्ली में इतना बर्बादी किया जो आज तक कोई सीएम ने आज तक कोई भी विभाग या कोई भी काम के नजर में कहीं नहीं आ रहा है। अभी खड़े नहीं उतरे ये, जैसे सफाई का मामला है, लैंड ऑर्डर है, स्लम्स हैं, पेमेंट्स पे लोग आके कब्जा कर रहे हैं, ये इनकरेज बहुत हुआ है। दो साल में हमने विधायक को तो देखा ही नहीं है यहाँ। पानी पहले 24 घंटे आता था, अब पानी 2 घंटे आता है। बिजली भी 4-4 घंटे जाने शुरू हो गई है। किसी सड़क पे कोई पैच नहीं लगा है। सीवर भरे हुए हैं, सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं। बेसिक फैसिलिटी भी कुछ नहीं है, वाईफाई का छोरी है। सीसीटीवी कैमरा कहीं भी कॉलोनी में लगा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं इसको। असामाजिक तत्व हाथ से मोबाइल झपट के भाग जाते हैं।